स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीख रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताया था पिछले वीडियो में। और ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको होमवर्क दिए थे। आप में से कई लोग इसे सॉल्व भी किए हैं, असाइनमेंट में सबमिट भी किए और सही भी लगा है। फिर भी कुछ लोग अगर नहीं बनाए हैं तो उनके लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से। और आज हम लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना है बेसिक मीडियम का, उसको कैसे करेंगे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप बताया थे आप लोगों को कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसको आप लिखोगे। यहां से फिर से हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, Cr2O7-2-SO2SO4, इट गिव Cr3+SO4-2-सल्फेट आयन। सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, ऑक्सीजन का -2, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +4, क्रोमियम 3+ दिया हुआ है, SO4-2- में ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +6। अब निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो क्रोमियम का +6 से कन्वर्ट किया 3+ में, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इनका रिडक्शन हुआ। सल्फर का +4 से कन्वर्ट किया है +6 में, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके बाद में डिटरमाइन करते हैं हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। क्रोमियम का यहां 6 है और यहां 3 है तो 3 का चेंजेज हुआ, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6 हो गया। सल्फर का +4 है और ये +6 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 2 का चेंजेज हुआ, नंबर ऑफ एटम 1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो गया। अब दोनों को इक्वल करना है, देखो यहां 6 है और यहां 2 है तो इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को फिर से लिखते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी Cr2O7-2+SO2, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं बीच में, अगर H2O या H+ आता है उसके लिए Cr3+SO4-2- सल्फेट आयन। SO2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब सारे आइटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्रोमियम यहां 2 है, यहां 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सल्फर 3 है, यहां 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऑक्सीजन काउंट करें, देखो यहां ऑक्सीजन 7 हुआ और 3 × 2 = 6, 6 and 7 = 13, यहां देखते हैं 3 × 4 = 12, यानी 1 ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है प्रोडक्ट साइड में तो यहां +H2O कर दी। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहां 1 भी नहीं है, यानी 2H+। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये एसिडिक मीडियम में था इस तरीके से। तो आप में से जितने लोगों का ये सही है ठीक है, अगर गलत हुआ है मिस्टेक हुआ है तो एक्सप्लेन भी किए हैं वीडियो में, आप अगर ध्यान से सुने होंगे देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया हो कि कहां आपसे मिस्टेक हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं पढ़े। यहां बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां पे क्रोमेट आयन कन्वर्ट कर रहा है Cr3+ आयन में क्रोमियम आयन में, और आयोडाइड आयन कन्वर्ट कर रहा है आयोडेट आयन में, Io3- को आयोडेट आयन कहा जाता है। और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। आप अगर बुक देखे होंगे तो ऑक्सीजन के बाद वाले में चेंजेज आता है, हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप एसिडिक मीडियम ही मान करके चलो और सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी आप थोड़ी देर के लिए मान करके चलो कि ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम का ही है तो फिर बेसिक मीडियम में क्या करेंगे वो लास्ट वाले स्टेज में आएगा। सब कुछ पहले ही जैसा, यानी इसे आप पहले नोट करोगे तो Cr2O7-2+I- इट गिव Cr3+ IO3-। सारे एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीजन का आएगा -2, क्रोमियम का +6, आयोडाइड आयन का -1 है ऑलरेडी, यहां ऑक्सीजन का -2 और आयोडीन का +5 होगा। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्रोमियम का +6 से 3+ यानी कि डिक्रीज कर रहा है और आयोडीन का -1 से +5 इंक्रीज कर रहा है,
तो फर्स्ट वाले हाफ का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कितने का चेंजेज हो रहा है वो निकालना है। प्लस सिक्स ये कन्वर्ट किया थ्री प्लस में, यानी थ्री का चेंजेस, और नंबर ऑफ आइटम्स टू है तो इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री टू जा सिक्स हो गया। यहां आयोडीन का देखो माइनस वन है और यहां प्लस फाइव है। अब इसी जगह पर ध्यान देना है, माइनस वन से प्लस फाइव, जल्दीबाजी में स्टूडेंट चेंजेस लिख देता है फोर का, जब प्लस वन से प्लस फाइव होता तब फोर का चेंजेज होता, लेकिन यहां तो माइनस वन है तो माइनस वन से प्लस फाइव जाओगे तो चेंजेज होगा सिक्स का, नंबर ऑफ एटम वन है इसको वन से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी सिक्स हो गया। देखो ये भी सिक्स है, ये भी सिक्स है, यानी कि किसी को मल्टीप्लाई करने का यहां जरूरत नहीं पड़ेगा। अब फिर ऊपर वाले पार्ट को नोट कर लेते हैं, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस आई माइनस फिफ्टी, थोड़ा सा स्पेस यहां उठाते हैं, सी आर थ्री प्लस प्लस आई ओ थ्री माइनस, सारे एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्रोमियम टू, एरो छूट गया सॉरी, क्रोमियम टू यहां टू से मल्टीप्लाई कर दी, आयोडीन वन आयोडीन वन। अब ऑक्सीजन का बारे, यहां देखो ऑक्सीजन सेवन है और यहां ऑक्सीजन थ्री है, यानी कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है फोर का, तो यहां डाल दिए हम लोग फोर एस टू। अब हाइड्रोजन फोर टू जा एट, तो यहां आ गया एट एच प्लस। अगर एसिडिक मीडियम होता तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया था। बेसिक मीडियम में क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, करता है कि जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस दोनों साइड में डालो। तो देखो यहां 8H प्लस है तो इसी में 8OH माइनस इधर भी ऐड करते हैं और 8OH माइनस यहां भी ऐड करते हैं। अब अगले स्टेप में ये 8H प्लस और 8OH माइनस कंबाइन कर 8H2O में कन्वर्ट कर रहा है। लिखते हैं इसको Cr2O7 माइनस प्लस I माइनस प्लस 8H2O कैसे बना, H प्लस प्लस OH माइनस H2O बनता है, यहां 8H प्लस है और 8OH माइनस है इसलिए कंबाइन करिए 8H2O में कन्वर्ट करेगा, 2Cr3 प्लस प्लस IO3 माइनस प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। अब यहां ये भी इधर भी H2O है और इधर भी H2O है, ये प्लस 4H2O को अगर एरो के दूसरे साइड में ले आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर जाएगा, ये प्लस 4H2O इधर आने पर माइनस 4H2O हो जाएगा, तो देखो 8H2O में से माइनस 4H2O करोगे तो कितना बचा रह जाएगा 4H2O, तो यहां से H2O कैंसिल हो गया, यहां ये बचा हुआ रह गया 4H2O। इसी को पॉइंट्स में लिखवाए हैं, कैंसिल ऑल द डुप्लीकेशन, यानी कि जो दोनों साइड में उसको कैंसिल कर। अब आप इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कई लोग इसको डिवाइड समझ रहे, डिवाइड नहीं है, ये प्लस है, इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 करोगे तो ये 4 बचा रह गया। अब फाइनल इक्वेशन बैलेंस होकर के आ गया आपके पास में, Cr2O7 माइनस प्लस I माइनस प्लस 4H2O, इट गिव 2Cr3 प्लस प्लस IO3 माइनस प्लस 8OH माइनस। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है जहां हाइड्रोजन आयन, और बेसिक मीडियम का मतलब होता है जहां OH माइनस आयन हो। तो देखो यहां इक्वेशन में OH माइनस आयन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम का है। वैसे आप बुक में देखेंगे तो इसी जगह पर चेंजेस किया है, तो हमें लगा कि वो अलग से कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा यही है कि सब कुछ एसिडिक जैसा करेंगे और जितना H प्लस आएगा उतना ही OH माइनस दोनों साइड में ऐड कर देंगे, बाकी फिर अगले स्टेप में H प्लस और OH माइनस H2O में कन्वर्ट करेगा, जो दोनों तरफ में उनको कैंसिल कर देंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, इस क्वेश्चन में भी बेसिक मीडियम में हम लोग को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, जितना स्टेप पहले बताए हैं वो सारा यूज करना होगा यहां पर भी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इट गिव MnO2
प्लस बी आर ओ थ्री माइनस। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीजन का माइनस टू, मैग्नीज का प्लस सेवन आ जाए, बी आर का माइनस वन है, यहां ऑक्सीजन का माइनस टू, मैग्नीज का प्लस फोर, माइनस टू और ब्रोमीन का प्लस फाइव। ब्रोमीन आयन कहा जाता है बी आर माइनस को, जैसे आयोडेट कहा गया ब्रोमीन की जगह जब आयोडीन था। अब यहां मैंगनीज प्लस सेवन से कन्वर्ट किया प्लस फोर में, डिक्रीज कर रहा है यानी इनका रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन माइनस वन से कन्वर्ट किया प्लस फाइव में, इंक्रीज कर रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब चेंजेस निकालते हैं, प्लस सेवन से प्लस फोर थ्री का चेंजेस, नंबर ऑफ एटम वन है तो वन से मल्टीप्लाई कर दिए यानी थ्री हो गया। ब्रोमीन का माइनस वन से प्लस फाइव सिक्स का चेंजेस हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स वन है, वन से मल्टीप्लाई कर दिए सिक्स हो गया। अब दोनों तरफ में देखिए, यहां सिक्स है यहां थ्री है, दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए किसी लोएस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना होगा टू से, तो अब ये भी थ्री टू या सिक्स हो गया और ये भी सिक्स है, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से उस रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, MnO4- प्लस Br- इट गिव MnO2 प्लस BrO3-। अब इसे मल्टीप्लाई करना है टू से, यहां टू कर दिए, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मैंगनीज टू, यहां भी मैंगनीज टू, ब्रोमीन वन, ब्रोमीन वन, अब ऑक्सीजन का बारी, फोर टू जा एट, यहां टू टू जा फोर एंड थ्री सेवन है यानी वन हाइट ऑक्सीजन का कमी है तो प्लस एच टू। अब वहां टू हाइड्रोजन, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इस जगह पर लिखेंगे टू एच प्लस। अब देखो चूंकि बेसिक मीडियम का है तो जितना एच प्लस है उतना ही ओ एच माइनस दोनों साइड, तो यहां भी आप डालोगे टू ओ एच माइनस और इस जगह पर भी आ गया टू ओ एच माइनस। बताया थे कि एच प्लस और ओ एच माइनस कंबाइन कर एच टू ओ में कन्वर्ट कर, आप यहां पर भी चेंजेस कर सकते हैं, तो टू एच प्लस प्लस टू ओ एच माइनस का मतलब हो गया टू एच टू ओ और यहां है वन एच टू ओ, तो यहां से H2O और ये 2H2O, तो एक H2O माइनस हो गया तो बचा हुआ कितना रह जाएगा 1H2O। हम एक स्टेप बचा लिए, 2H प्लस प्लस 2H माइनस दिमाग में रखो, ये 2H2O हो गया और यहां H2O है तो प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 1H2O बचा रह गया। फाइनल इक्वेशन बैलेंस होकर आ गया 2MnO4- माइनस प्लस Br- माइनस प्लस H2O, it give 2MnO2 plus BrO3- minus plus 2OH- minus। अब आप काम करोगे तो सारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होंगे, एक बार काम करके देख लेते हैं, मैंगनीज 2, मैंगनीज 2, ऑक्सीजन 4 टू जा 8 एंड 19, 2 टू जा 4, 3 7 एंड 29, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन, ये इक्वेशन बैलेंस था। तो इस तरीके से एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर क्वेश्चन दिया हो रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। कुछ और अलग कंडीशन आएगा उसको हम बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, उसको बताएंगे कि अगर तीन रिएक्टेंट दिया हुआ है तो फिर कैसे करेंगे, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। लेकिन पहले इसी जितना कंसेप्ट बताया गया है इसके ऊपर में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं क्योंकि दो बार में ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस करते हैं, रिडक्शन को अलग बैलेंस करते हैं, बस एक जगह पर चेंजेस आता है, बाकी सब कुछ कॉमन है, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़े हैं। देखते हैं दो क्वेश्चन इसका भी बताते हैं एग्जांपल, फिर आपको समझ में आया कि कैसे बनाना है। सबसे पहला काम आप करोगे यहां आइडेंटिफाई कर लेंगे विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस, तो उसका मेथड वही जो पहले हम लोग पढ़े, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किनका इंक्रीज कर रहा है और किनका डिक्रीज कर रहा है।
देखो ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, क्रोमियम का यहाँ +6 होगा, आयरन का दिया होगा, क्रोमियम का दिया होगा। अब देखिए कहाँ चेंजेज आ रहा है, क्रोमियम का +6 से चेंज किया 3+ में, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और आयरन का Fe2+Fe3+ में इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां बस इतना ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है, यानी इस जगह पर आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि कितने का चेंजेस हो रहा है। पूरे इक्वेशन को 2 इक्वल हाफ में बांटते हैं, ऑक्सीडेशन वाले को सेपरेट करेंगे जिन्हें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा जाएगा, रिडक्शन वाले को रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन भी Fe2+ कन्वर्ट कर Fe3+, तो यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब Fe2+ ये कन्वर्ट किया Fe3+, Fe3+ रूल्स वही है, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम का है तो उतना ही OH- करेंगे, इतना सब कॉमन है, उस कंसेप्ट को यूज करते हैं। देखो यहाँ आयरन का नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी इसमें एटम को लेकर नहीं करना है। तो जब एटम सारे बैलेंस हो चुके हैं तो लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं, और जल्दीबाजी में इस जगह पर आपसे गलती होगा चार्ज में, इसलिए ध्यान से इसको करोगे। देखो इसमें लेफ्ट साइड में 2+ चार्ज है, यानी कि +2 है, और राइट साइड में +3 है, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पॉजिटिव का नंबर ज्यादा है, या दूसरे में जहां नेगेटिव का नंबर कम है। सिंपल कंसेप्ट बताते हैं, आप दोनों तरफ का डिफरेंस निकाल लो चार्ज का, उसके बाद ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज हमेशा प्रोडक्ट साइड में ऐड होगा, रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड में होगा, यही ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली वहीं पर आएगा। जैसे यहां देखो 2+ है और 3+ है, डिफरेंस कितने का हुआ 1 का, तो चूंकि ऑक्सीडेशन है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया प्रोडक्ट साइड में। अब आप एक बार मिला लो इसको, चार्ज जरूर काउंट करोगे, देखो बराबर हुआ या नहीं हुआ। इस साइड में 2+ है, यहां 3+ और 1-, तो 1- और 3+ प्रोडक्ट साइड में भी 2+ हो गया, यानी कि बराबर हो गया लेफ्ट और राइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इसी कंसेप्ट से रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहां आ गया Cr2O7 2-, और ये कन्वर्ट कर रहा है Cr3+ में। सारे एटम को पहले बैलेंस करेंगे, क्रोमियम यहां 2 है, यहां 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन यहां 7 है, यहां 1 भी नहीं, तो 7H2 आएगा। हाइड्रोजन यहां 14 है, तो इस जगह पर 14H+, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जैसा हो गया। अब चार्ज केयरफुली देखना है, यहां देखो चार्ज कितना है 14+ और 2-, आगे में अगर 2 लगा रहता तो फिर इसको ही मल्टीप्लाई, तो 2- एंड 14+, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 12+ आ गया। प्रोडक्ट साइड में देखो 3 2 6+, यहां 6+, यहां 12+ है, यहां 6+, कितने का डिफरेंस हो गया 6 का, तो इस जगह पर आप डाल दोगे 6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड में, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जब आप इलेक्ट्रॉन लिखो तो एक बार चार्ज जरूर मिला, फिर से करते हैं 14+ और 8-, 6- यहां पर और 2- यहां, तो 6 and 2 8, 8- एंड 14+, यानी कि लेफ्ट साइड में 6+ आ गया, इस साइड में भी 6+ है। इसे इक्वेशन सेकंड कर दो, दोनों अलग अलग बैलेंस है, अब इन्हें ऐड करना है। ऐड करते वक्त में ध्यान ये रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों में कैंसिल हो जाए, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करना है, कैंसिल करना है, तो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर हो जाए। तो देखो तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी 6 हो जाएगा। तब अगले स्टेप में क्या करेंगे,
इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। करते हैं इसको, यहां देखो ये वैल्यू आ गया 6 Fe2 plus, it give 6 Fe3 plus, plus 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में। इसे मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो पूरा इक्वेशन लिखेंगे, प्लस 14H plus, plus 6 इलेक्ट्रॉन, it give 2Cr3 plus, plus 7H2। ऐड कर देते हैं इसको, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और भी कहीं भी कैंसिल होगा इसलिए पहले ध्यान से देख लेना, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त में कोशिश ये करो कि जिस तरीके से इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से इसको भी नोट करो, जैसे पहले Cr2O7 माइनस, तो यहां पर भी पहले Cr2O7 माइनस को लिखें, 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस, 6Fe2 प्लस, प्लस 14H प्लस, तो यहां आ गया 14H प्लस, इट गिव प्रोडक्ट में Cr3 है तो Cr3 में आ गया 2Cr3 प्लस, प्लस 6Fe3 प्लस, प्लस 7H2। ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम का था जिसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड करते हैं, उससे इसको बैलेंस किए। इसको नोट कर लीजिएगा और आप मिलाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी फाइनल वैल्यू यही आया था जो इस जगह पर आया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दोनों जगह पे बराबर बराबर आता है। इसको कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि हाफ रिएक्शन मेथड से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिएक्शन हो रहा है। SO2 इट गिव Mn2 प्लस, प्लस SO4 2 माइनस। अब इसके बाद देखो चेंजेस, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस 7 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4, यहां माइनस 2 और सल्फर का प्लस 6। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो मैंगनीज का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का प्लस 4 से, सॉरी उल्टा लिख दिए, मैंगनीज का प्लस 7 से प्लस 2 में कन्वर्ट किया यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का प्लस 4 से प्लस 6 हुआ इंक्रीज कर रहा है यानी इनका ऑक्सीडेशन हुआ। अब फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन नंबर से, दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, SO2 कन्वर्ट करा है SO4 2 माइनस में, लिखते हैं इसे SO2 इट गिव SO4 2 माइनस। सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 4 है तो इस जगह पर कर दिए 2H2। अब हाइड्रोजन देखो यहां 4H, यहां 4H प्लस, सारा एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज, चार्ज में ध्यान देना, फिर से बता रहे हैं, इस जगह पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक भी चार्ज नहीं है यानी कि जीरो है। प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं माइनस 2 और प्लस 4 यानी इस जगह पर वैल्यू कितना है प्लस 2 का, दोनों तरफ में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो जितने का डिफरेंस हो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन फर्स्ट। काउंट करके देखो रिएक्टेंट साइड में 0, यहां 2 माइनस और 2 माइनस, माइनस 4 और प्लस 4, ये वैल्यू 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन पर ही आपको फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने में ही स्टूडेंट जो जल्दीबाजी में गड़बड़ करता है, सिर्फ जल्दीबाजी में। जैसे अगर आप वीडियो देखे और नहीं सर समझ में नहीं आए, कैसे समझ में आएगा, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा यहां लेफ्ट साइड में आ रहा है राइट साइड में यहां आ रहा है तभी समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर केयरफुली काउंट करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बाद में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे भी बैलेंस करना है। यहां MnO4 माइनस ये कन्वर्ट कर रहा है Mn2 प्लस,
Mn2+, मैंगनीज वन, यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां एक भी नहीं है, तो पहले लिख दिया हम लोग 4H2, हाइड्रोजन 8, 8H+, अब चार्ज फिर ध्यान से 8+ और -1 यानी 7+, प्रोडक्ट साइड में देखो यहां सिर्फ 2+ है, कितने का चेंजेस आ रहा है 5 का, यहां 7+ और 2+ 5 का डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उतना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में एड कर देते हैं। अब काउंट करोगे तो दोनों साइड में इक्वल चार्ज होगा, प्रोडक्ट साइड में भी 2+ रिएक्टेंट साइड में भी 2+, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल कैसे होगा जब दोनों तरफ में बराबर हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। करते हैं ऊपर वाले को, पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहां ये वैल्यू आ गया 5SO2 प्लस 10H2O, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट गिव 5SO42 माइनस प्लस 5 4 20 20H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इट गिव 2Mn2+ प्लस 8H2O। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो यहां 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और भी देखिए कैंसिल हो गए, यहां 8H2O है और यहां 10H2O है, कितना H2O बचा रह जाएगा, 2H2O सब्ट्रैक्ट करना है, यहां 16H+ है और यहां 20H+ है, तो 16H+ और 20H+ यहां कितना बचा हुआ रह गया 4H+, अब देखो जहां जहां कैंसिल हो रहा था वो कर दी, अब ऐड कर देना है, क्वेश्चन में पहले MnO4 था फिर SO2, तो पहले MnO4 को लिख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2, इट गिव 2Mn2+ प्लस 5SO42 माइनस प्लस 4H+, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जो मेथड हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सीख रहे हैं वही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वही रिडक्शन हाफ रिएक्शन में करना है, सिर्फ कहां चेंजेज आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, दोनों तरफ में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इसको भी कॉपी कर। अब एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताते हैं, सब कुछ वही है सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि H प्लस के बाद में OH माइनस भी ऐड करना होता है, इस वजह से देखिए यहां पर MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तरीका क्या बताए थे आप, सारे एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखोगे और फिर ये आइडेंटिफाई करोगे कि किनका चेंज हो रहा है, MnO4 माइनस में मैंगनीज का प्लस 7, ऑक्सीजन का -2, Br माइनस है, यहां ऑक्सीजन का -2, मैंगनीज का प्लस 4, BrO3 में ऑक्सीजन का -2 और ब्रोमीन का प्लस 5। चेंजेस किसका हो रहा है, मैंगनीज का प्लस 7 से कन्वर्ट किया प्लस 4 में, डिक्रीज कर रहा है यानी इनका रिडक्शन हो गया, ब्रोमीन का -1 से प्लस 5 इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक एक करके बैलेंस करेंगे हम, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इससे बैलेंस करते हैं, Br- ये कन्वर्ट कर रहा है BrO3- में,
क्योंकि बेसिक मीडियम का है तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए स्पेस ज्यादा ले लिए। बी आर टू थ्री माइनस, सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ब्रोमीन वन ब्रोमीन वन बैलेंस हो गया। यहां ऑक्सीजन थ्री है तो इसलिए इस जगह पर लिखेंगे हम लोग पहले 3H2O। अब हाइड्रोजन देखो यहां 6 है तो इस जगह पर लिखा जाएगा 6H+, क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो इतना ही OH- दोनों साइड, यहां भी 6OH- और यहां भी हो गया 6OH-। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहां 3H2O और ये 6H+ और 6OH- का मतलब भी रहा है 6H2O, तो ये 3H2O यहां कैंसिल हो गया और इस जगह पर ये 6H2O है तो बचा हुआ जगह 3H2O यहां। अब चार्ज को यहां पे बैलेंस करो, देखो ब्रोमीन पे -1 और OH पर -6, तो यानी लेफ्ट साइड में हो गया -7। प्रोडक्ट साइड में देखिए यहां -1, एक तरफ में -7 है और दूसरी तरफ में -1 है, तो दोनों को कंपेयर करो, -1 और -7 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो ऑक्सीडेशन वाले में इस जगह पर आपको ऐड करना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि पता चले फाइनली क्या क्या है, यानी इस जगह पर आ गया Br- प्लस 6OH- इट गिव BrO3- प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट काउंट कर लो, देखो -6 और -1 -7, यहां भी -1 और -6 -7, ये बैलेंस है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4- ये कन्वर्ट कर रहा है MnO2। सारे एटम को बैलेंस करेंगे मैंगनीज 1, यहां ऑक्सीजन 4 है और यहां 2 है तो इसलिए पहले यहां डाल दिए हम लोग 2H2O। फिर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4H+, क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो जितना H+ है उतना ही OH- दोनों साइड में, तो यहां भी 4OH- और इस जगह पर भी 4OH-। अब ये 4H+ और 4OH- ये बन गया 4H2 और यहां ये है 2H2, तो ये 2H2 इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा तो बचा हुआ रह जाएगा यहां पर 2H2। अब चार्ज यहां -1 और इस जगह पर -4, प्रोडक्ट साइड में -4, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करो, ये 3 इलेक्ट्रॉन, जितने का डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन। फाइनली एक बार इसको भी लिख लीजिए, MnO4- प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव MnO2 प्लस 4OH- और इसे हम इक्वेशन सेकेंड करते हैं। अब दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट वाले में है 6 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो वैसे ही आ जाएगा Br- प्लस 6OH- इट गिव Br O3- प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहां MnO4- प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना था तो यहां 2MnO2, 2 को H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2O, यहां आ जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 2MnO2 प्लस 8OH-। अब दोनों को ऐड कर देना है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करें, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहां देखो 8OH-
यहां C2H- है, तो इस जगह पर 2H- बचा रहेगा, 2H- H2O देखो यहां 4H2, यहां 3H2, तो इस जगह पर 1H2O बचा रह जाएगा, H2O। केयरफुली जैसे बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखोगे, सुनोगे कि वीडियो में कैसे किया गया है, पॉज करोगे उसको और फिर से कोशिश करोगे उसको खुद से बैलेंस करने का, और फिर उसको प्ले करके आप मिला लीजिएगा कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां अब देखिए सब कैंसिल हो गया, जितना डुप्लीकेशन था फाइनली आ गया 2MnO4- प्लस Br- प्लस H2O, प्रोडक्ट साइड में 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2OH-। थोड़ा सा केयरफुली करना होगा, कई बार हम लोगों से मिस्टेक होता है, जल्दीबाजी में जो है वो कहीं ध्यान चला गया तो एक भी पॉइंट अगर छूट गया, खास करके चार्ज वगैरह में, तो पूरा इक्वेशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये इतना आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड बताया। प्रैक्टिस के लिए कुछ एक क्वेश्चन आप और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो आप बैलेंस किए हैं उसी को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। तो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड था, जितना प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर में उतना ही ज्यादा कमांड होगा आपका, और ये फिर आपको 12th क्लास में जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ ये पार्ट देता है, ये छोड़ देता है, तो याद इतना करना होता है। और आप सोचो कि अगर इतना पूरा इक्वेशन याद करके लिखना पड़े तो कितना डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि MnO4- MnO2 में कन्वर्ट करता है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट करता है। ये ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फाइड आयन सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, Sn2+ को Sn4+ में। तो जो कुछ थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है वो लिखवाते हैं, और बाकी का अगर ये कंसेप्ट है तो पूरा इक्वेशन कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में कुछ और बात बताएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।